आप आयुर्वेद और एलोपैथ को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आयुर्वेद जो है वो एक चिकित्सा पद्धति ना होकर के जीवन का विज्ञान है, और जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया और उसके बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये आयुर्वेद आज यहाँ तक पहुँची है। देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आज घर घर जो हृदय रोगी मिल रहे हैं, घर घर जो कैंसर रोगी मिल रहे हैं, उपचार की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप ये तो विचार कीजिए कि ये इतने हृदय रोगी और कैंसर के रोगी आ कहाँ से गए। तो डेफिनेटली यदि आप आयुर्वेद को माध्यम बनाते हैं, अपना खान पान ठीक रखते हैं, अपनी जीवन शैली को अनुशासित रखते हैं, तो आपको ना हृदय रोग होगा ना कैंसर होगा। डॉक्टर साहब, आपका चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपसे आयुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सर गंगाराम एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, उसमें भी आप रहे हैं और लोगों का इलाज किया है। तो आप इसके बारे में, कुछ लोगों की जिज्ञासा होती है कि, तो आप ये दोनों पैथियों के बारे में बताइए कि किन किस पैथी पर हमें ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। देखिए, अगर आप आयुर्वेद और एलोपैथ को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आयुर्वेद जो है वो एक चिकित्सा पद्धति ना होकर के जीवन का विज्ञान है, और जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया और उसके बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये आयुर्वेद आज यहाँ तक पहुँची है। तो देखिए, जब चिकित्सा की बात करते हैं तो दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ बनाए रखें। दूसरा होता है अतुरस्य विकार प्रश्नम, चाहे यदि अब वो बीमार पड़ जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाए। तो बड़े ही गर्व और गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि जो चिकित्सा का पहला पहलू है, यानी कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, अगर पूरे विश्व में कोई पद्धति ये बात बता सकती है कि कैसे आपका खान पान हो, कैसे आपकी जीवन शैली हो कि आप बीमारी ना पड़े, तो वो केवल और केवल आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद अपने आप में जीवन का विज्ञान है, जबकि एलोपैथ मात्र एक चिकित्सा पद्धति है। आप बीमार पड़ते हैं, आप जाते हैं, कुछ केमिकल्स का सेवन करते हैं, कुछ लक्षण दबते हैं, कुछ नई बीमारियां शरीर में आ जाती हैं, तो इसलिए दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आज के परिवेश में डेफिनेटली विभिन्न कारणों से आयुर्वेद को पीछे धकेल दिया गया। आज इमरजेंसी के लिए हमें एलोपैथ में जाना पड़ता है, लेकिन जब क्योर की बात आती है, क्रोनिक डिजीज को ठीक करने की बात आती है, तो वापिस से लोगों को आयुर्वेद में आना पड़ता है। क्योंकि आप चाहे ब्लड प्रेशर ले लें, चाहे आप शुगर ले लें, चाहे आप थायराइड ले लें, चाहे आप और कोई बीमारी ले लें, जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई देते हैं, और आप पूछते हैं कितने समय तक ये दवाई खानी है, तो उनका जवाब होता है अब आपको जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन विश्वास कीजिए, ब्लड प्रेशर शुगर का पेशेंट यदि आयुर्वेदिक मेडिसिन ले, साथ में योग को अपनाए, प्राणायाम करे, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या ठीक करे, अपने खान पान को ठीक करे, तो वो क्योर भी हो सकता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि यदि आप केमिकल्स जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं उनके माध्यम से अपने लक्षणों को, अपने बीमारी को शरीर में ही दबा करके रखना चाहते हैं तो आपको एलोपैथ की तरफ जाना चाहिए, और यदि उसका समूल नाश करना चाहते हैं तो आयुर्वेद। जैसे अभी अभी कोरोना का दौर रहा है, तो कोरोना में आयुर्वेद पद्धति कितनी कारगर रही है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत देश में जिस तरह से जनसंख्या है, जिस तरह से हमारी जो है एक तरह से बहुत ही हल्की चिकित्सा सुविधा है, तो उस हिसाब से अगर हम बचे रहे तो वहाँ पर पूरा का पूरा श्रेय जो है वो आयुर्वेद को ही जाता है, हमारे अपने किचन के मसालों को जाता है, ये गर्म पानी से जो हमने कुल्ले किए, गरारे किए, स्टीम ली, उसको जाता है। और साथ में शायद अब सरकार भी इस बात को मानने लगी है कि आयुर्वेद में प्रूवन एंटीवायरल मेडिसिन हैं, घर घर में वो एंटीवायरल मेडिसिन खाई गई, इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए च्यवनप्राश, आंवला इत्यादि का सेवन किया गया तो लोग बचे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर व्यक्ति को पूरी इंग्लिश मेडिसिन की सुविधा थी, ऑक्सीजन की सुविधा थी, कहीं पे कोई बेड की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी केवल आयुर्वेद को ना अपनाया गया और उस व्यक्ति की जान गई। सो कहने का मतलब यह है कि देखिए, कभी कभी व्यक्ति की कंडीशन ऐसी होती है कि उसे मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वाइटल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है, लेकिन अगर इस वायरस के अगेंस्ट कोई दवा इफेक्टिव थी तो वो आयुर्वेदिक दवा इफेक्टिव थी, और लाखों करोड़ों लोगों ने अपने को कोरोना से इन्हीं दवाओं के माध्यम से बाहर निकाल करके इस कोविड काल में आयुर्वेद की महत्ता को घर घर में।
एक और मेरा प्रश्न है कि जैसे हार्ट रोग है और कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारी है, इस पर ये जो आयुर्वेदिक पद्धति है कितनी कारगर रहती है? देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आज घर घर जो हृदय रोगी मिल रहे हैं, घर घर जो कैंसर रोगी मिल रहे हैं, उपचार की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप ये तो विचार कीजिए कि ये इतने हृदय रोगी और कैंसर रोगी आ कहाँ से गए। तो डेफिनेटली यदि आप आयुर्वेद को माध्यम बनाते हैं, अपना खान पान ठीक रखते हैं, अपनी जीवन शैली को अनुशासित रखते हैं, तो आपको ना हृदय रोग होगा ना कैंसर होगा। और हमेशा से वो बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में आज हमें अपने खान पान को, अपनी जीवन शैली को, दिनचर्या को, ऋतुचर्या को, ये सब हमको वास्तव में फिर से ठीक करना होगा, सो दैट हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कैंसर जैसी कोई बीमारी ना हो। अब बात करते हैं कि हार्ट डिजीज़ की। तो देखिए, हार्ट डिजीज में सबसे कॉमन है कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आपको डिसलिपिडीमिया हो गया यानी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया, आपके पैल्पिटेशंस यानी टेकिकार्डिया जैसी कंडीशन हो गई। तो वहाँ पर भी बड़े गर्व और गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को साथ में लेंगे तो इन सब समस्याओं से आपको समूल मुक्ति मिल सकती है। तो आप ऐसा ना मान के चलें कि हार्ट डिजीज जो है उसका इलाज केवल एलोपैथ में है। यहाँ तक कि अगर आप सही टाइम पे हमारे पास आ जाते हैं तो ब्लॉकेजेस के जो केसेज होते हैं वहां पर भी आपको जो है आयुर्वेद के माध्यम से आपको मुक्ति मिल सकती है। कैंसर की जहां तक बात है, उसमें डिपेंड करता है कि आपका कैंसर कहाँ का है, किस स्टेज का है। देखिए, कुछ लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि कोई रोग ऐसा नहीं है जो आयुर्वेद में साध्य ना हो, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ आचार्यों ने बताया कि रोग जो है वो सुख साध्य भी हो सकता है, कृच साध्य भी हो सकता है, याप्य भी हो सकता है और असाध्य भी हो सकता है। सुख साध्य का मतलब ऐसे रोग जो थोड़े सी औषधि व्यवस्था करने से ठीक हो जाते हैं, तो उनको आचार्यों ने, हमारे जो वैद्य हुए उन्होंने, सुख साध्य कहा है। कृच साध्य का मतलब है कि थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ता है उन रोगों को ठीक करने के लिए, तो उनको कृच साध्य कहा गया है। याप्य वो रोग होते हैं जिनमें लगातार आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, चाहे आयुर्वेदिक की मेडिसिन क्यों ना लेनी पड़े, आपको जीवन पर्यंत मेडिसिन लेनी होगी, ऐसे रोग जो है याप्य कहलाते हैं। और इसके बाद उन्होंने असाध्य रोग भी कहा है, यानी कि अर्बुद इत्यादि, अर्बुद की तुलना हम कैंसर के साथ करते हैं, जो उन्होंने बताया कि एक स्टेज के बाद वो असाध्य हो जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कोई रोग ऐसा नहीं जो आयुर्वेद में साधा ना जा सके, ठीक ना हो सके। सब डिपेंड करता है कि रोग जो है वो कहाँ का है और किस अवस्था में, उसके हिसाब से ही आप आयुर्वेद में भी उससे जो है निपट सकते हैं। डॉक्टर साहब, आम लोगों की ये इच्छा रहती है कि जो हमें बीमारी हुई है वो जल्दी से ठीक हो, तो आयुर्वेद में ये इसका कैसे निदान होता है? देखिए, इसके लिए तो मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में जल्दी से इलाज होना हो लेकिन सही इलाज होता है। एक फैक्ट की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप रात में कहीं बाहर जाकर के खाना खाते हैं, प्रोबेबली रेस्टोरेंट में या किसी समारोह में, शादी में, और सुबह जो है आपको उल्टी होना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली रात में कोई ना कोई अनहाइजेनिक चीज़ जो आपकी बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपकी बॉडी में, आपकी आंतों में पहुंच गई, आपके पेट में पहुंच गई, और बॉडी जो है अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तहत उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप तुरंत एक एंटी वोमिटिंग मेडिसिन लेकर के अपने जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं, और वो जो टॉक्सिक चीज़ जो आपकी बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं थी वो आप अपने पेट में ही रोक लेते हैं, और उसके बाद आप उस गोली की तारीफ करते हैं और अपना